डी यर स्टूडेंट्स नो वी आर डिस्कसिंग रेगुलेशन विदेंट टू एम्प्लॉज वर्कर्सेशन एंड समिटी किस तरह से काम कर रही होती है जैसा कि यहाँ पे ये यह जो फोर बॉक्सिस आपके लिए हमने बनाए हैं पहला इसमें है परमानेंट टोटल डिसबिलिटी अगर ऊपर से नीचे कुआं तो सेकेंड लेवल पर है परमानेंट पार्शल डिबिलिटी तीसरे लेवल पर है टेम्परेरी टोटल डिसबिलिटी और लास्ट है टेम्परेरी पार्शियलिटी इन चारों का एक मतलब है और वो ये मतलब है कि जिस तरह की एम्प्लॉय को डिसेबिलिटी होगी उस तरह उसको कंपनसेट किया जाएगा उस तरह उसको ट्रीट किया जाएगा लेकिन ट्रीट 100 परसेंट किया जाएगा ताकि एम्प्लॉय दोबारा अपनी पोजीशन पे आगे काम कर सके लेकिन एक बात यहाँ बताना बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अगर एम्प्लॉय को कोई परमानेंट डिसबिलिटी हो जाती है परमानेंट में इनके गुटाग हाथ इस तरह से उसको वो काटी जाती है या बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है वो तो उसको जॉब से फारग नहीं किया जाएगा बल्कि उसको ऐसी जगह पे डिप्यूट कर दिया जाएगा जहाँ पे वो रहते हुए आसानी से अपनी वो जॉब परफॉर्म कर सके फोर अप्रोच टू हैंडल परमानेंट पार्शल डिसबिलिटी थ्री आर बेस्ड ऑन स्पेसिफिक थेज एंड द फोर्थ इज बेस्ड ऑन द मोर्ड ऑफ टू मोर ऑफ ऑफ दिस मोस्ट दिज थे स्टूडेंट्स जो इनको डील कर रही होती हैं मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूँ दुनिया के अंदर जो काम प्रोड्यूस किया जाता है या दुनिया के अंदर जो काम ऑर्गेनाइज किया जाता है उसके पीछे जो थेरी है उसे हम कहते हैं लेबर प्रोसेस थे हाउ वी विल प्रोड्यूस एंड ऑर्गेनाइज द वर्क इसी तरह एम्प्लॉय को कंपनसेट करने के पीछे भी कुछ थेरीज हैं वो कौन सी हैं होल पर्सन थे वेज लॉस थेरी लॉस ऑफ वेज अर्निंग कैपेसिटी थेरी अगर आप इन तीनों थेरीज के वर्ड्स पर गौर करें तो इसमें वेज का जिक्र आया है सैलरी का जिक्र आया है इन सब का जो मेन थीम थोड़ा सा डिफरेंट है ये थेरीज़ लेकिन इन तीनों का जो बुनियादी मकसद है मैं आपसे वो शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि हाउ वी विल कम्पनसेट अवर इम्प्लॉज़ इन द केस ऑफ डिसबिल पार्शियल डिबिलिटीज़ है परमानेंट है डबिल डिबिलिटीज़ है टम्प्रेरी पार्शल डिस्बिलिटीज़ है इन सब में रहते हुए इम्प्लॉज को किस तरह हमें कम्पनसेट करना है ये इन तमाम थेरीज़ का बुनियादी मकसद है मॉनेटरी बेनिफिट्स ऑफ वर्कर्स कम्पनसेशन कि इंप्लाई को हम कम्पनसेट करना चाहते हैं लेकिन उसको फाइनेंशियली कम्पनसेट करना है ताकि जिन दिनों में वो ऑर्गेनाइजेशन में नहीं आके काम कर रहा उन दिनों को में फाइनेशियली उसको इतना कंपनसेट करें उसकी जो लाइफ स्पेंडिंग पैटर्न है वो बिल्कुल वैसे ही स्पेंडिंग पैटर्न उसका चलना चाहिए द मोनिट्री बेनिफिट एक्रिंग फ्राम वर्कर्स कम्पनसेशन वे दी मार्कडी स्टेट टू स्टेट द एक्चुअल अमाउंट आर ऑफ लेस इम्पॉर्टेंट दैन द डिफरेंस अमंग दैम ऑफ़ कोर्स द अमाउंट सेट फोर्थ इज शेड्यूल चेंज फ्रीकेंटली हाउ एवर फॉर परिजन कंसीडर दैट दन टाइम ऑफ ए हैंड इन पेनिसलवियाड इन एन अवार्ड ऑफ वन हंड्रेडर दैन वन हंड्रेडजेंड डॉलर द सेम इंजरी इन कोलोरेडा बॉट ओनली एट थाउजेंड से थर्टी सिक्स एक लाख सोलह हजार दो सौ पतालीस डॉलर कंपनसेशन मिलती है आपको पेनसवेनियन स्टेट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में उसी तरह की इंजरी अगर आपको हो जाती है कलोरेडो स्टेट में तो वहाँ पे आठ हज़ार सात सौ छत्तीस डॉलर मिलते हैं इसका क्या मतलब है इसका मतलब ये है कि इन दोनों स्टेट्स के अंदर जो कम्पनसेशन लाज हैं वो डिफरेंट हैं और अब जो डिफरेंस है इसको हमें कम करना चाहिए इसका मतलब ये हलगे नहीं है कि एक जगह पर कम आपको कम्पनसेट है एक पे ज़्यादा है यहाँ डिफरेंस को इम्पोर्टेंस दी जा रही है कि इसमें इतना ज़्यादा डिफरेंस क्यों है जब इस डिफरेंस को कम कर देंगे तो लोग किसी भी स्टेट में काम करने की प्रेफरेंस को कंसीडर नहीं करेंगे आल वर्कर्स कंपनसेशन लॉज प्रोवाइड फॉर पेमेंट फॉर द मेडिकल कास्ट एसोसिएटेड विद इंजरीज ये बेसिकली स्टूडेंट्स जो टॉपिक है इसका तलक है मेडिकल ट्रीटमेंट एंड रिहेबिलेशन के साथ कि अगर इम्प्लाई इंजर्ड हो जाता है उसको कंपनसेट कैसे क्या करना है उसको मेडिसिन देनी है परमानेंट ट्रीटमेंट करानी है फिजियोथ्रापी उसकी करानी है अगर एक्सरे कराने हैं सी टी स्कैन कराने हैं उसको प्रॉपर मेडिसिन के ऊपर लेके जाना है उसके बाद उसको रिकवर करके अपने ऑर्गेनाइजेशन में दोबारा लेके आना है और इन सब चीज़ों का ताल्लक बेसिकली मेडिकल ट्रीटमेंट एंड रिहेबलेशन के साथ है जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप अपने इम्प्लाई को फाइनेंशियल एबिलिटी पे नहीं उसकी करेंगे एम्प्लॉय को कंपनसेट नहीं करेंगे हाउ कैन यू एक्सपेक्ट यू विल रिटेन दैट इम्प्लाई विद इन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम वो एम्प्लाई कभी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ लायल अटैच नहीं रहेगा देर आर टू टाइप्स ऑफ रिहेबलेशन मेडिकल एंड वोकेशनल आप मेडिकल ट्रीटमेंट करा के एम्प्लॉई को रिहेबिलेट कर सकते हैं कोई तो ये लाजम नहीं कि हर दफ़ा मेडिकल प्रॉब्लम ही उससे होगी सम्रेस ओवर बर्डन बहुत ज़्यादा काम की वजह से इंप्लाई स्ट्रेस में चला गया और आपको पता एंगजाइटी में कुछ इम्प्लॉय चले जाते हैं तो इन दोनों चीज़ों को देखते हुए एम्प्लॉ को वोकेशन पर किसी दूसरे कंट्री में भेजा जाता है विद फैमिली ताकि वो पाँच सात दस दिन दो वीक वहाँ पर गुजारने के बाद मैंटली रिलैक्स होकर दोबारा वर्किंग कंडीशन के ऊपर आ सके

एम्प्लॉय को अगर नए काम पे आप लेके जाना चाहते हैं तो स्टार्ट में उसको ये ना कहें यू हैव टू डू दिस टास्क उसे बताएं वी विल ट्रेन यू वी विल गाइड यू वी विल गिव यू प्रॉपर एजुकेशन देन यू विल वर्क अकॉर्डिंग टू दैट इंस्ट्रक्शन इस तरह आप उस एम्प्लॉय से बेटर काम ले सकते हैं और लास्ट में मेडिकल ट्रीटमेंट्स ऑफ वर्क प्लेस इंजरीज का जिस चीज से लिंक है डी स्टूडेंट्स वो ये है आउट ऑफ कंट्रोल वर्कर्स कंपनसेशन केसेज इन नाइनटीन नाइन लेट टू मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ वर्क प्लेस इंजरी टू बैटल मैनेजमेंट ऑफ वर्कर्सेशन क्लेम देन थर्टी स्टेट्स है गोल ऑफ दर नंबर वन स्पीड अप दोसेम अगर इम्प्लाई को क्लेम करता है कि मुझे कम्पनसेट किया जाए तो कोशिश करें कि विद इन फ्यू डेज फ्यू वीक्स उसको कंपनसेशन दे दी जाए ताकि जिस वक्त कंपनसेशन रिक्वायर्ड है उस वक़्त एम्प्लॉ को कंपनसेट ना किया जाए तो आप उससे बैटर रिजल्ट नहीं ले सकते नंबर टू रिड्यूस कॉस्ट इसमें ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी है उसके अंदर किसी किस्म की जो कॉस्ट इन्वाल्व है टाइम के हवाले से भी है फाइनेंशियल कॉस्ट भी इसको रिड्यूस करें रिड्यूस फ्रॉड एंड अब्यूज समाज इम्प्लॉ भी डबल बिल क्लेम कर देते हैं उसके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस होना चाहिए इफ़ यू हैव वन टाइम बिल देन इट्स डबल पेमेंट्स विल नॉट बी अलाउड बाई योर सिस्टम और लास्ट इम्प्रूव मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ वर्क प्लेस इंजरी कोशिश करें कि वर्क प्लेस के ऊपर मेडिकल ट्रीटमेंट तो आपने देनी ही है इन सब चीज़ों से हट के इस तरह का वर्किंग एनवायरनमेंट डेवेल्प करें कि मेडिकल इंजरीज वहाँ हो ही ना दिस इज़ द आइडियल कंडीशन फॉर दर्गेनाइजेशन